नमस्कार बच्चों, कल हमने वृक्षारोपणम के बारे में पढ़ा, जिसमें सौम्या जो है अपनी माता को स्कूल में हो रहे वन महोत्सव के बारे में बता रही है। उसकी माता बड़ी उत्सुकता से उसके से पौधों के बारे में, वन महोत्सव के बारे में पता पूछ रहे हैं। तो इस सौम्या ते विविध पुष्पाणाम पादपानाम रोपिष्यन्ति। हम आप आगे पढ़ेंगे। माता ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपके वहाँ किन पौधों को लगाएंगे, वे सब कौन कौन से पौधों को लगाएंगे। सौम्या ते विविध पुष्पाणाम पादपानाम रोपिष्यन्ति, वे विभिन्न प्रकार के फूलों को पौधों को लगाएंगे। अस्माकं शिक्षिका, हमारे शिक्षक आम्रस्य जम्बूफलस्य कदलीफलस्य, आम के, जामुन के, कदली, केले के पादपानां पौधों को प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि च और मुख्य अतिथि आमल कस्य आमलकस्य पादपं रोपिष्यन्ति। प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आंवले के पौधों को लगाएंगे। ततः कार्यक्रम भविष्यति, उसके बाद कार्यक्रम होगा। हमारे शिक्षक जो है आम के, जामुन के, केले के फल के पौधों को प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आंवले के पौधों को लगाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम होगा। माता कार्यक्रम है किम भविष्यति, कार्यक्रम में क्या होगा। उत्सुका अस्मि श्रोतु, उत्सुक हूँ सुनने के लिए। सौम्या अष्टम कक्षाया, आठवीं कक्षा के छात्र, तरु ददाति प्राणवायु, वृक्ष देते हैं प्राणवायु, इति ऐसा गीतम गाश्यन्ति, ऐसा गीत गाते हैं। सप्तम कक्षाया, सातवीं कक्षा के छात्रा छात्र, वयम एका नाटिकां करिष्यामि, हम सब एक नाटक करेंगे। सातवीं कक्षा के छात्र, हम सब एक नाटक करेंगे। माता नाटिकाया कथा का अस्ति, नाटक की कथा क्या है। सौम्या नाटिकाया कथा अस्ति, नाटक की कथा है। यत की वृक्ष है, वृक्ष जन्मत है, जन्म से मृत्यु पर्यंतम, मृत्यु पर्यंत कथम जीवना जीवानाम हितम करोति, कैसे जीवों का हित करते। माता शोभनम, अच्छा तुम कम अभिनय करिष्यसि, तुम क्या अभिनय करोगी, यानी आप क्या रोल करेंगी। उस माता जो है उससे पूछती है कि बेटा तुम क्या रोल करोगी। सौम्या नाटिका, नाटक में यदा जब एक है एक नर है मनुष्य, वृक्ष है वृक्ष को कृतंती काटता है, तदा तब अहम मैं वृक्षम रक्षिष्यामि, वृक्ष की रक्षा करूंगी। नाटक में जब एक मनुष्य वृक्ष को काटता है, तब मैं वृक्ष की रक्षा करूंगी। माता साधु साधु, अच्छा अच्छा एतत एव उचितम, यह एव ही उचितम, उचित है यह ही उचित है। इदानीं वृक्ष रक्षकाणां, अभी वृक्ष रक्षकों की, पर्यावरण रक्षकाना, पर्यावरण रक्षकों की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है। सर्वे कुत्र पादपानां रोपिष्यन्ति, सभी कहाँ पौधों को उगाएंगे लगाएंगे। सौम्या विद्यालय से प्रांगणे, विद्यालय के आंगन में मुख्य द्वार, मुख्य द्वार के उभयतः दोनों ओर, कक्षाणाम कक्षा के पृष्ठतः पीछे च, और विद्यालय के आंगन में मुख्य द्वार के दोनों ओर और कक्षा के पीछे की ओर। सर्वा कक्षा अध्यापिका, सभी क्लास टीचर, कक्षा अध्यापिका माने क्लास टीचर, प्रत्येकम बालकाय, प्रत्येक बालक बालिकाय वाय बालक या बालिका के लिए एकम पादपम, एक पौधा उपहार के रूप में रूपेण दाशंती देंगे, उपहार के रूप में देंगे। बालक है बालिका वा बालक या बालिका तम पादपाम, उस पौधे को अपने घर में जो है क्या करेंगे या बगीचे में लगाएंगे।
बालक या बालिका उस पौधे को अपने घर के बगीचे में लगाएंगे, तम प्रदिशते उसे बड़ा करेंगे, यानी उसकी सुरक्षा करेंगे, उसे पानी देंगे, उसमें खाद देंगे, उसका रोज ध्यान देंगे, कहीं वो मुरझा तो नहीं गया। जब उनको टीचरों के द्वारा एक एक पौधा दिया जाएगा तो वो घर के लॉन में यानी बगीचे में या किसी क्या गमले में लगाकर उसकी बढ़ाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। माता अति उत्तम, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों हम आगे अभ्यास करते हैं। हाँ जी देखिए अभ्यास, शुद्धम उच्चारणम कुरु। तभी हमने लेसन को पढ़ा है, इसको आपको घर पे बैठ के शुद्ध उच्चारण करना है। वृक्षारोपणम प्राण वायु श्रांति उत्साह पूर्ण श्रोत्रम मृत्यु पर्यंतम पर्यावरणम रक्षक प्राण। तो ये आपको घर बैठ के इसका अभ्यास करना है। पाठ से वाचनम करो, पाठ का अभ्यास करना है, इसे बार बार पढ़ना है ताकि आपको सुधार हो, आपकी जहाँ भी गलती हो आपको पता लगे। अगला है थर्ड क्वेश्चन, धातु रूपाणी लिट लकारे पूरे, धातु रूपाणी को लिट लकार में करना है। आपने सिक्स क्लास में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति ये वाले रूप किए होंगे, इसी तरह ये है अनु प्लस भू प्रथम पुरुष का है, अनु भविष्यति अनुभविष्यत अनुभविष्यन्ति मध्यम पुरुष की का करिष्यसि करिष्यत करिष्यत, दा का दास्यामि दास्यावे दास्यामे रोप्य रोपिष्यति रोपिष्यत रोपिष्यन्ति। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रिया जो पद है वो लट लकार में दिया है और इसको हमने लिट लकार में लिखना है। तो हाँ जी भवति भविष्यति रोप्यन्ति रोपिष्यन्ति गायन्ति गाष्यन्ति कुर्मः करिष्यामः करोषि करिष्यसि यच्छन्ति दास्यन्ति। अब संधि विच्छेद करना है इसका, वृक्ष प्लस वृक्षारोपणम वृक्ष प्लस आरोपणम गीतम गायति गीतम प्लस गायति महोत्सव महा प्लस उत्सव जीवनम यच्छति जीवनम प्लस यच्छति मुख्य अतिथि मुख्य प्लस अतिथि अतिथि प्रधानाचार्य प्रधान प्लस आचार्य। हाँ जी अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, उसमें संधि विच्छेद करना था, इसमें हमें संधि करना है। विद्या प्लस आलय विद्यालय पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय वृक्षम प्लस रक्षामि वृक्षम रक्षामि पादप प्लस आरोपणम पादप रोपणम एक पदे नुत्रत विद्यालय स्वयं किम भविष्यति विद्यालय में कर क्या होगा वन महोत्सव का कार्यक्रम विषय श्रोतुम उत्सुका अस्ति कौन कार्यक्रम के विषय में सुनने के लिए उत्सुक है माता। अष्टम कक्षा या छात्रा किम गाष्यन्ति आठवीं कक्षा के छात्र क्या गाते हैं गीतम गीत को। सप्तम कक्षा या छात्रा किम करिष्यन्ति नाटिकाम सातवीं कक्षा के छात्र क्या करेंगे नाटक और आठवीं कक्षा के छात्र क्या गाएंगे गीत को। अब है पूर्ण वाक्य अनुत्तरण के अति उत्साह पूर्ण संति कौन जो है बहुत उत्साह पूर्ण है। सर्वे बाला सभी बालक जो है बहुत ही उत्साहपूर्ण है। क अस्मभ्य जीवनम यच्छति कौन हमें जीवन देता है। वृक्ष अस्मभ्यम जीवनम यच्छति वृक्ष हमें जीवन देता है। हाँ जी आगे देखिए गीतम की दृशम अस्ति गीतम कैसा गीत कैसा है गीतम अति मधुरम अस्ति गीत बहुत मीठा है। प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि च कस्य पादपम रोपिष्यते प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि कौन से पौधे लगाते हैं आमलकस्य आंवले के पौधों को लगाएंगे कौन से पौधे लगाएंगे आंवले के पौधों को लगाएंगे। उचित विभक्ति का प्रयोग करना है हमें। माता मित्र स्वय आगरा नगरम आगमिष्यति माता मित्र कल आगरा नगर से आएगा
माता पुत्राय भोजनम यच्छति, माता पुत्र के लिए भोजन देती है। विद्यालयम उभयता, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। वयम स्वदेशम रक्षिष्यामि, हम सब देश की रक्षा करेंगे। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करें। बच्चे गीत गाएंगे, बाला गीतम पाठयन्ति, हम सब मिलकर वृक्षों की रक्षा करेंगे। वयम मिलित्वा वृक्षां रक्षिष्यामि, आज विद्यालय में कार्यक्रम होगा। अद्य विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति, कार्यक्रम के बाद में आऊंगा। कार्यक्रमात् अनन्तरम् अहम् आगमिष्यामि। ये हमारी बुक एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम इसकी अभ्यास पत्रिका को पढ़ते हैं। नहीं, ये देखिए क्वेश्चन, ये आपकी जो है क्रियाकलाप यानी आपकी एक्टिविटी है, इसे आपको करना है। वृक्षाणाम विषय, वृक्षाणाम के विषय में यहाँ चार वाक्य हैं, इसको आपको जो है इसका प्रयोग करके इसे करना है। पुष्पाणी रक्षन्ति जीवनम विन्दामे, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए वृक्ष आसमान आत्पात रक्षन्ति, वृक्ष जो हमारी धूप से रक्षा करते हैं। ते अस्मभ्य जीवनम यच्छति, वे हमें जीवन देते हैं। वृक्षाणाम फलानि पुष्पाणि च सर्वेभ्य जीवेभ्य भवन्ति, वृक्षों के फल और फूल हमें सबको क्या है, सभी जीवों के लिए होते हैं। वयम वृक्षेभ्य प्राण वायु विन्दामे, हम सब वृक्षों, हम सबको वृक्ष जो है प्राण वायु देते हैं, प्राप्त होती है। हम सबको जो है वृक्षों से क्या होती है, प्राण वायु प्राप्त होती है। अब है सेकंड, इसमें क्रियाकलाप एक्टिविटी क्या है कि आपको क्या, अपने जीवन के जो अवसर आते हैं, विविध अवसर ऐसे आते हैं जिसमें आप पादपारोपणम कुरुत, आपको पाद पौधों को लगाना है। जैसे आपका बर्थडे है तो आप हर बर्थडे पर एक पौधा लगाकर जो है पर्यावरण शुद्धि में उसका सहयोग कर सकते हैं, शुद्ध वायु में उसका सहयोग कर सकते हैं। युष्मा का विद्यालय, आपके विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष हैं, उनकी एक सूची तैयार कीजिए। आप जब भी विद्यालय आइए तो आप आके विद्यालय में एक सूची तैयार कीजिए कि आपके विद्यालय में कौन कौन से जो है वृक्ष। हाँ, अब हम इसकी अभ्यास पत्रिका करते हैं। देखिए अशुद्धम पदानाम शुद्धम रूप लिखिए, तो इसमें जो है ये जो भी शब्द है ये आपके बुक के अंदर है तो आपको इनका प्रयोग करना है। इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है जो आपको सही करते हुए लिखना है। देखिए जो बुक एक्सरसाइज है उसको बुक में करना है, जो नोटबुक की एक्सरसाइज है आपको नोटबुक में करना है। राइटिंग नीट एंड क्लीन, वर्ड मीनिंग आपको सबसे पहले लिखने हैं। इसमें एक बार मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिख के दिखा दिया है, इसी तरह आपको हर लेसन में आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज में के बाद करनी है, ये क्वेश्चन हर अभ्यास पत्रिका में होगा। शुद्ध रूप लिखना और ये आपके एग्जाम में भी आएगा, तो ये आपको नोटबुक में करना है, स्वयं करना है आपको। ये सारे वर्ड जो है आपकी बुक के अंदर है तो आपको उसे ढूंढते हुए इसे सही करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है उचित पदे रिक्त स्थानी पूर्यते, उचित पदों को लेते हुए हमें रिक्त स्थान पूरित करना है। देखिए स्व कल अप्रैल मास से तृतीय तारीख अस्ति, कल अप्रैल महीने की तीसरी तारीख है। स्वयं अनुजय जन्म दिवस भविष्यति, कल मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन होगा। सायंकाले तस्य मित्राणि आगमिष्यन्ति, शाम को उसके मित्र आएंगे। मित्राणि उपहारान आनेष्यन्ति, मित्र जो है उपहार लाएंगे। सा स्वयं मित्रे से विविधान खेलान क्रीडिष्यति, कल सॉरी वह अपने मित्रों के साथ विविध प्रकार के खेल खेलेंगी। माता पिता अहम चेतस्य पुस्तकानि क्रीडनकानि दास्यन्ति, माता पिता और मैं उसके लिए पुस्तकें और खेलने
के लिए खिलौने देंगे। तस्य मित्राणि गीतानि गास्यन्ति, उसके मित्र गीत गाएंगे, नर्तिष्यन्ति नाचेंगे, भोजनम च खादिष्यन्ति और भोजन करेंगे। आगे देखिए, ये आपको क्रिया की धातु पुरुष और वचन लिखना है। गाश्याम में गए धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। रोपिष्यन्ति रोप्य लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। निर्दिशति नृत नृत धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नृ भी होता है और इसका नृत भी होता है। दास्यसी दा यच लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नेष्यत नी नय लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। उचित संख्या पदे रिक्तस्थानी पूर्यत, इसको संख्यावाची है ये। एक वृक्ष है, ये पुलिंग है। एका स्त्रीलिंग है। एकम ये नपुसक लिंग है। द्वो पादपौ ये पुलिंग है। द्वे बालिक है स्त्रीलिंग। द्वे नगरे नपुसक लिंग। इसी तरह ये सारे पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुसक लिंग है। त्रय त्रिश त्रिणी त्रिणी। चतवारे चतर्ष चतवारी। अष्ट अष्ट अष्ट, क्योंकि पांच के बाद चार तक जो है पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं और पांच से सभी इक्वल होते हैं, चाहे वो पुलिंग है चाहे स्त्रीलिंग है चाहे नपुंसकलिंग है। हाँ, वर्ण विच्छेद ये आप सबने छोटी क्लासों में किया होगा। वर्ण विच्छेद में देखिए, वृक्षा में व के पैर में कौन सी मात्रा है, री की, तो प्लस में री। श किससे मिलके बना हुआ है, क और श, और इसमें कौन सी मात्रा है, आ की, प्लस में विसर्ग। इसी तरह वार्षिक, व प्लस आ प्लस र प्लस स प्लस ई प्लस क प्लस अ प्लस विसर्ग। इसी तरह मित्राणी, म प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस ई। मित्राणी प्रांगणम, प्र प प्लस र प्लस आ प्लस ग ग अ प्रांगणम, ण प्लस अ प्लस म। अनंतरम अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म अनंतरम। इसी तरह आपको पाठ के में 10 पद को चुनकर उनकी हिंदी भाषा भी होती है, हिंदी भाषा में भी होते हैं, ऐसे पदों को चुनना है, जैसे विद्यालय, वृक्ष, शाखा, अतिथि, प्रधानाचार्य, गीत, कथा, वन, इन पदों का चुन सकते हैं। अब वर्ण संयोजन करना है, अलग अलग पद दिए हुए हैं और इनका आपको वर्ण संयोजन करना है। तो ये आपको दिया है ग प्लस अ ग द य आ, यहाँ पर ऊपर डॉट है, श और गद्यांश। द य आ न अ म ध्यानम। स अ ह अ स र आ श उ श्रहांशु। श्रहांशु मैंने बहुत सारे, जिसकी किरणें हजारों किरणों वाला कौन है, सूरज। क श अ त र इ य अ क्षत्रिय। इस तरह आपको ऊपर वर्ण विच्छेद करना है और इसमें वर्ण संयोजन करना है। और ऐसे पद जो संस्कृत और हिंदी दोनों में यूज होते हैं, ऐसे पदों को आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आशा है बच्चों यहाँ तक आपको लेसन समझ आया होगा। यह आपको नोटबुक और बुक में करते हुए मुझे सेंड करना है। थैंक यू।